नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपडेट पे चलते हैं। खेसारी जी का रेड लिपस्टिक का जो सॉन्ग है उसी का ऑडियो सॉन्ग आया था, जिसको आप लोग बहुत प्यार आशीर्वाद दुलार दिए, और इस गीत पे बहुत रिपोर्ट मारी जा रही है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि रिपोर्ट जब किसी भी सॉन्ग में मार देंगे तो उसका ऑडियो अथवा वीडियो ग्रो नहीं करता है, यूट्यूब पे ग्रो नहीं करता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, अपने बाल बच्चों के लिए करता है, कोई भी अपने परिवार के लिए करता है और लगानी किया हुआ रहता है, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे खेसारी जी का फैंस, इतने अभी दुखी हैं, इतना बहुत सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ऐसे रिपोर्ट मारा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे गीत पे आप लोग मारेंगे तो हम आपके गीत पे मारेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। यूट्यूब को फ़ायदा होता है, क्योंकि वह लगानीकर्ता जो होता है वो कमज़ोर होते हैं। तो चलिए इसी बात पे मैंने खेसारी जी आए थे लाइव और आकर के पहले तो रेड लिपस्टिक का जो सॉन्ग है उसका वीडियो आ रहा है उन्होंने कहा, लेकिन बाद में जा कर के फिर भी रात में कल शाम को आना बहुत दुखद की बात थी। वो कह रहे थे कि बहुत से लोग मुझसे जलते हैं और बहुत चिढ़ कर रहे हैं और बहुत से मुझे मेरे ऊपर आकर के और मेरे गीत के ऊपर रिपोर्ट मार रहे हैं और मेरे ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा साजिश की बातें कर रहे हैं। तो ये दुखद की बात, ऐसा नहीं आना चाहिए। सुपर स्टार है भैया, सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाले व्यक्ति यदि किसी को करते हैं तो खेसारी जी हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बादशाह माने जाते, हिट मशीन माने जाते, ऑलराउंड स्टार माने जाते, स्टेज स्टार माने जाते, सभी स्टार माने जाते हैं हमारे खेसारी भैया जी। तो खेसारी भैया जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दुलार देना होगा। और इस गीत के बारे में मैंने बोल दूँ कि कुछ कहना था मुझे तो कह दे रहा हूँ, रिपोर्ट मारना बहुत गलत बात है, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। और देख रहे होंगे स्क्रीन में कि भैया लाइव आकर, तो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं, मैं कहना यही चाहता हूँ कि जितने आप लोग सिंगर हैं, चाहे राइटर हों या कोई भी काम कर रहे हों, इस वीडियो में कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो भी काम करें भैया, किसी के ऊपर देखन मत काम करें और सबकी भलाई हो इसमें जाइए। आप लोग रिपोर्ट मारने के, इतना बड़ा सुपरस्टार जो पहला भोजपुरी का नंबर वन है और इसके गीतों पे आप लोग रिपोर्ट मार रहे हैं और ऐसी परेशानियां दिखा रहे हैं, वो लोग आकर के लाइव में आकर के कहना पड़ रहा है, ये दुखद बात है भोजपुरी की। तो ऐसा मत कीजिए। और चलिए मैं अपडेट पे जाना चाहता हूँ। आज सुबह 6 बजे रिकॉर्ड भोजपुरी, जो रिकॉर्ड स्पीड भोजपुरी है, स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल पे ये गीत आने वाला है। तो ये अभी अकमक मैं क्यों पढ़ जा रहा हूँ कि पहले रिकॉर्ड स्पीड भोजपुरी था और उसके बाद इसी चैनल को ग्रो करके रिकॉर्ड भोजपुरी बनाया गया, फिर जा करके इसी चैनल को अभी स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी बनाया गया है। तो स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी पे जा करके आप लोग इस गीत को देखिएगा, फुल वीडियो पाएंगे, अभी 6 बजे रिलीज होने वाला है। तो इस गीत में बहुत लगाने हुआ है भैया, बहुत अच्छा वीडियो बना है, भोजपुरी को कुछ आयाम देने वाला हूँ हमारे खेसारी भैया ने कहे थे। तो भैया इस गीत को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़ेगा, प्यार से प्यार दुलार देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिएगा, लाइक मारिएगा और मेरे गीत को भी शेयर करते जाइएगा, मेरे वीडियो का भी शेयर करते जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो शेयर करेंगे तभी तो आपको मालूम होगा। तो भोजपुरी का सबसे नंबर वन अभी वीडियो बना हुआ है, पंजाब में जा करके भैया ने किए थे और 3 गीत हिंदी को किए हैं और 2 गीत भोजपुरी का किए हैं और 1-2 गीत शायद भोजपुरी और हिंदी का किए हैं। तो 3 गीत जो हिंदी बन रही है वो बहुत लगानी लग गया है भैया। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दुलार आप लोगों को देना होगा। और मैं बता दूँ फिर एक बार, प्रेमी श्याम सुंदर म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि सबको मालूम हो जाए। और मैं एक बात फिर कहूँगा, स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल पर जा करके इस गीत का रेड लिपस्टिक जो गीत है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का माध्यम से देखेंगे और 3-4 दिन तक इसी का प्यार आशीर्वाद दुलार देना होगा, किसी भी गीत पर ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि इसको हम लोग चाहते हैं कि रिकॉर्ड बनाए ये गीत और लगता है कि ये ट्रेडिंग पे चढ़ेगा, तो ट्रेडिंग पे चढ़ाने का हम लोग प्रेमी श्याम सुंदर म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। इसी बात को मैंने बहुत जोर की है, देखिए ये जो चैनल है ना ये रुक गया था, बहुत पुराने चैनल से रुक गई थी, इसी कारण से नहीं आया था ऑडियो में।
तो पर भी बहुत सराहनीय की बात है कि 22 घंटे में और देख रहे होंगे आप लोग ये स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल से रिलीज हुआ है और यादव राज जी ने लिखे थे इसको और आर्या शर्मा ने म्यूजिक दिया था और जो आवाज़ दे रहे हैं हमारे खेसारी भैया और